दोस्तों, वैसे तो आज के समय में महिलाओं के साथ कंधे से कंधे मिलाकर चलना मर्द अपनी शान समझते हैं, और एक समय ऐसा भी हुआ करता था जब महिलाओं को पुरुष से कम समझा जाता था। लेकिन उस समय में भी कुछ ऐसी महिलाएं थीं जो अपने काम से अपने नाम का लोहा मनवा दिया। ऐसा ही कुछ कर दिखाया भारत की कारगिल गर्ल गुंजन सक्सेना ने। 1999 में पाकिस्तान से हुए कारगिल युद्ध में गुंजन ने पाकिस्तानी सेना की तो छक्के छुड़ा दी थी। और गुंजन की लोकप्रियता का अंदाज़ तो आप इसी बात से लगा सकते हैं कि उनकी जीवन पर आधारित एक बायोपिक फिल्म भी बनने जा रही है। तो चलिए दोस्तों, गुंजन के सफ़र को हम शुरू से जानते हैं। आज से करीब 45 साल पहले 4 जून 1975 को भारत की राजधानी नई दिल्ली में गुंजन का एक सैनिक परिवार में जन्म हुआ था। माता पिता के अलावा 2 भाई बहनों में गुंजन बड़ी और उनके छोटे भाई जो भारतीय सेना में कार्यरत हैं। पेशे से उनके पिता भी एक सैनिक हैं और माँ हाउसवाइफ। बचपन से ही पढ़ाई में काफ़ी अच्छे होने के वजह से 12वीं कक्षा में पास होने के बाद उन्हें दिल्ली विश्वविद्यालय के जाने माने कॉलेज हंसराज में दाखिला मिल गया। और वहां से पढ़ाई पूरी करने के बाद दिल्ली के सफदरगंज फ्लाइंग क्लब में वे शामिल हो गई। और उसके बाद गुंजन ने सशस्त्र बल में शामिल होने का फैसला किया। एक इंटरव्यू के मुताबिक गुंजन ने बताया था कि जब वो 5 साल की थी तो पहली बार उन्होंने लड़ाकू विमान देखा था और उसी वक्त उन्होंने एयरफोर्स में जाने का निर्णय किया। उसके बाद वह IAF प्रशिक्षु पायलट में शामिल होने वाली पहली महिला बनी। कुछ समय बाद गुंजन ने सशस्त्र सीमा बल परीक्षा पास कर एक पायलट के रूप में भारतीय वायुसेना में शामिल हुई। देश के प्रति समर्पण की भावना ने उन्हें देश के लिए कुछ करने की प्रेरणा हमेशा देती रही। इसीलिए वह एक ऐसे अवसर की प्रतीक्षा कर रही थी जहां उन्हें देश के लिए कुछ करने का मौका मिले। और उनको वह मौका सन 1999 में मिला जब भारत और पाकिस्तान के बीच कारगिल युद्ध आरंभ हुआ। और इस युद्ध के दौरान वे अकेली नहीं थी, उनके साथ श्री विद्या राजन नामक भारतीय सैनिक भी मौजूद थे जिन्हें इस अभियान के लिए अपने जीवन तक को समर्पित करना पड़ा। इस युद्ध के दौरान गुंजन ने घायल भारतीय सैनिक के लिए भोजन आपूर्ति और उन्हें प्राथमिक चिकित्सा जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई और इस काम को उन्होंने बखूबी निभाया। एक महिला के लिए इतनी फुर्ती और किसी भी चीज़ को लेकर चीते जैसी चाल दिखाना नामुमकिन सा है, लेकिन गुंजन ने इसे मुमकिन कर दिखाया। दोस्तों, उनके हिम्मत का अंदाज़ा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि पाक सैनिक ने तो उन पर एक बार मिसाइल भी दागा था, परंतु वह बच गई और पीछे पहाड़ी से जाकर विस्फोट हो गया। एक शॉर्ट सर्विस कमीशन अधिकारी होने के कारण उनका कार्यकाल सिर्फ 7 वर्षों का ही था, जिसके बाद उनका कार्यकाल समाप्त हो गया और उन्होंने अपने इस पद से सम्मान सहित विदा ली। और युद्ध के दौरान बेहतरीन कार्य के लिए उन्हें शौर्य वीर पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया और इस पुरस्कार को पाने वाली वह पहली महिला बनी। और कुछ समय बीतने के बाद उन्होंने वायुसेना के MI-17 हेलीकॉप्टर पायलट के साथ शादी कर ली और उनसे उन्हें एक बेटी भी है जिसका नाम प्रज्ञा है। और 2020 में उनके जीवन पर आधारित फिल्म गुंजन सक्सेना द कारगिल गर्ल के नाम से आने वाला है, जिसका पोस्टर करण जौहर ने अपने ट्विटर अकाउंट पर शेयर भी किया है। दोस्तों, आप इस वीडियो को लाइक करके मेरे मनोबल को बढ़ा सकते हैं और आगे आप मुझे कमेंट करके बताइए ये वीडियो आपको कैसा लगा। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।